अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरीदास किचन। आज मैं आपको चिकन भुना मसाला बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चिकन भुना मसाला बहुत ही टेस्टी रहता है, वो हम पराठे, रोटी या नान के संग बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना के ज़रूर उसे देखें। उसके लिए हमें चाहिए 2 बड़ा बड़ा प्याज, मैंने बारीक चॉप करके रखा है, 2 मिर्ची है, छोटा कच्चा मिर्ची है उसे मैंने काट के रखा है, 1 बड़ा टमाटर इसे मैंने बारीक चॉप करके रखा है, लहसुन है इसे मैंने बारीक चॉप करके रखा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और चिकन जो मैंने लई है उसे धो के घोस घोस पीस है, हड्डी नहीं है इसमें, मैंने छोटे छोटे पीस में काट के रखा है। और मिर्ची है 1 चम्मच, हल्दी, धनिया 1 चम्मच और कश्मीरी मिर्ची 1/2 चम्मच, और 1 गोटा गरम मसाला किसने कैप, लाल मिर्ची 3 ठो गए, गोल मिर्ची 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया गोटा धनिया है 1.5 चम्मच और सौंफ है 1 चम्मच। ये सबको फ्राई करके हम पहले पाउडर करेंगे। अब करी हम चढ़ाएंगे, उसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में, अच्छे से गर्म होने दें से, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब 1/2 चम्मच में जीरा हम ऐड करेंगे, तो लहसुन जो मैंने काट के रखा था लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन हल्का लाल होने लगे तब इसमें प्याज ऐड कर देंगे हम, प्याज जो मैंने 2 काट के रखी थी वो ऐड करेंगे। अभी इस हल्का फ्राई करेंगे, एकदम लाल इसे नहीं करना हमें। अब इसमें हम अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच जो मैंने रखा था वो ऐड करेंगे, अब इसे हल्का फ्राई करेंगे। इसी मैंने टमाटर काट के रखी थी तो वो भी ऐड करेंगे, और कच्चा मिर्ची, अब इसे 2-3 मिनट हल्का फ्राई करेंगे, फिर मसाला ऐड करेंगे। अब हम मसाला ऐड करेंगे इसमें, तो मैंने मसाला रखी थी, मिर्ची, हल्दी, धनिया, कश्मीरी सब ऐड कर देंगे। अब इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे, इसे टमाटर प्याज सब अच्छे से गलने तक इसे पकाएंगे। प्याज अच्छे से गल गया है, मैंने 1-2 बार हिलाई थी पहले इसे, आप भी हिला के देखिए इसे शुरू में। हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से गल गया है, इसे मैंने 1-2 बार हिलाया था, अच्छे से पक गया। इसमें अब चिकन ऐड करेंगे, टमाटर और प्याज को सिम में रख के पकाना हम लोग, अभी चिकन इसमें ऐड करेंगे, पानी इसमें नहीं डाले, जो गोश्त का पानी है और टमाटर का पानी है उसी से पकेगा, लास्ट में हम डालेंगे। अच्छे से मिलाएं, गैस का फ्लेम थोड़ा जोर कर दे, जोर में इसको भूने 2-3 मिनट तक। गैस का फ्लेम को जोर में रख के मैंने 2 मिनट तक पकाई इसे, अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक अपने हिसाब से डालें, थोड़ा सा धनिया पत्ती। अब इसे मीडियम में रख के हम 7-8 मिनट तक पकाएंगे। पानी नहीं डालेंगे इसमें, ऐसे पकाएंगे कि पानी उसी में पकेगा। मेरा चिकन हो गया है, गल गया चिकन, अभी हम लोग का गल गया चिकन, गल गया। अब इसमें जो मसाला मैंने, जब मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, जो चिकन का पानी था और जो टमाटर का पानी था उसी से पका। और जो मैंने इसमें वो पीस के रखी थी गरम मसाला, जो धनिया लाल मिर्ची सब पीस के रखी थी मैंने फ्राई करके, अब उसे ऐड कर देंगे, लेकिन उसे भी दरदरा पीसे, एकदम पतला से नहीं पीसे, दरदरा करके पीसना, ऐसा दरदरा दरदरा है ना। अब ये डालेंगे हम, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करें, फ्लेम को मीडियम में कर दें,
बहुत खुशबू आता है इसमें, अचार का मसाला का टेस्ट है इसमें। हमने जो पाउडर करके डाला है उससे बहुत खुशबू आता है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, पानी थोड़ा सा ऐड करके उसे थोड़ा 2 मिनट तक मीडियम में रख के पकाएंगे। जो मसाला है वो सब उसमें पकड़ ले, ग्रेवी अपना हिसाब से रखे इसमें। मैंने फ्राई पाउडर लास्ट में इसलिए डाला कि वो जलना नहीं बोल के, वो तो फ्राई था। अब इसे ढक के 2 मिनट और पकाएंगे। अब हमारा चिकन बनके तैयार है, चिकन भुना मसाला तैयार है। बहुत खुशबू आता है इसमें, अचार का मसाला का टेस्ट है। थोड़ा से हम लोग सोया सॉस डालेंगे, हल्का से 1/2 चम्मच। अब हमारा चिकन खाने के लिए तैयार है, इसे एक बार जरूर बना के देखें। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस हम डालेंगे, आप लोगों को चाहिए तो डालें थोड़ा सा नींबू का रस। थोड़ा से धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए। और थोड़ा सा अदरक, अच्छा लगेगा। अब मैंने जो चिकन भुना मसाला बनाया है उसे एक बार बना के जरूर देखें। इसे बना के देख के खाने का बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा है। बना के देखें, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।